हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्य पत्र 57 करेंगे। तो ये बाय मिस्टेकन 57 लिख दिया गया है कार्य पत्र, ये आपका 56 कार्य पत्र है, पर अब हम इसे 57 ही कहेंगे। तो ये हिंदी का है, क्लास 9th का है, 28 दिसंबर का है। तो आपको आज सलीम अली वाला जो हम पाठ कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आप सभी ये करेंगे। तो आज हमारा पहला जो ये गद्यांश ये कहता है, उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो वो बर्डर वर्ड वॉचर थे, यानी वो बर्ड्स को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन वो जब अकेले होते थे तो उस समय में सलीम अली बिना दूरबीन के भी देखते थे। दूर स्थित तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरे में कुछ ऐसा वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता दूर है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को ही अपने जो प्रभाव था उसमें बनाने के काबिल थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। पहला क्वेश्चन, सलीम अली को क्या कहा गया है? बर्ड वॉचर, पक्षी बेचने वाला, प्रकृति प्रेमी, आसमान को छूने वाला। तो आप जैसे कि आंसर देख ही सकते हैं, इनको क्या कहा गया है? इनको बर्ड वॉचर कहा गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, सलीम अली का दूरबीन से क्या संबंध है? सलीम अली का दूरबीन से यह संबंध है कि वे उससे बर्ड पक्षियों को देखते हैं। सलीम अली की नजर कैसी थी? सलीम अली की नजर जादुई हुआ करती थी। बर्ड वॉचर कौन होता है? तो जो पक्षियों को देखता है उसे बर्ड वॉचर कहते हैं। कौन सा उर्दू भाषा का शब्द नहीं है? कायल, प्रकृति, जमीन या नजर। तो प्रकृति हमारा उर्दू भाषा का शब्द नहीं है। सलीम अली किस प्रकार के व्यक्ति थे? सलीम अली उन व्यक्तियों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय खुद को प्रकृति को ही उनके प्रभाव में ला देते थे, इस काबिल के वो व्यक्ति थे। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।